बिहार इन दिनों सियासी जंग का अखाड़ा बना हुआ है। देश के विभिन्न प्रदेशों से आए विपक्षी नेताओं की बैठक 23 जून को ही संपन्न हो गई थी। अब 29 जून को बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार आने वाले हैं। ऐसे में जेडीयू का कहना है कि अमित शाह के दौरे से बिहार की राजनीति पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब जीतन राम मांझी बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात करने गए थे तब उनकी चप्पल उतरवा दी गई थी, जिससे महादलितों का अपमान हुआ है। जगह मनुवादी व्यवस्था है, संविधान खतरे में है, संविधान को बदलने की चर्चा हो रही है, बात हो रही है, उस जगह ये लोग जा रहे हैं। ये हमारे समाज के लोग कभी सबको माफ नहीं। तो दूसरी ओर हम पार्टी ने जेडीयू पर पलटवार किया और कहा कि ये तो संस्कार है कि चप्पल उतार कर दूसरे के घर जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने सीएम नीतीश के करीबियों पर निशाना साधा। देश भी ज्यादा बड़े हैं कि माननीय मंत्री जी बड़े हैं, वो भी कैबिनेट मंत्री, ये भी कैबिनेट मंत्री, ऐसी क्या बात है कि तेजस्वी यादव के पैर छू रहे हैं। ये मनोदशा तो वहां पर है, उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया। आप अगर कोई व्यक्ति किसी के साफ सुथरा घर में, आपके भी घर में साफ सुथरा रखते हैं तो आप भी अपेक्षा करते हैं कि मेरे कहीं को आया तो जूता पहन के ना आए, चप्पल जूता खोल के मेरे घर में अंदर है। आप करते हैं कि नहीं, के प्रति मेरी सहानुभूति है। लेकिन नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द जो लोग घेर चुके हैं, उनको चाहते ही नहीं कि वो बढ़े, वो चाहते ही नहीं कि राज्य का विकास हो। वहीं बीजेपी ने एक बार फिर महागठबंधन पर सवाल उठाया और तेजस्वी यादव और लल्लन सिंह को ठग बताया। समझते नहीं है और सत्ता के लोभ में हमेशा इधर से उधर करते रहते हैं, और सबसे पहले तो उनको ललन सिंह और तेजस्वी जी नीतीश जी को धोखा दे गए। ललन जी कहा कि बोले कि नीतीश जी तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं, तो ऐसे ही खारिज उन्होंने कर दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते। तेजस्वी जी के जब गठबंधन किए थे तो इसी लोभ में नीतीश जी गए थे कि तेजस्वी जी बोले थे और लालू जी कि हम आपको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाएंगे। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश भर में 100 रैलियां करने की योजना बनाई है। बीजेपी बूथ स्तर तक के मैनेजमेंट का काम पहले ही कर चुकी है। सीधे सीधे कहें तो विपक्ष ने एकता की ओर पहला कदम बढ़ाया तो बीजेपी ने विपक्ष का खेल बिगाड़ने के लिए पूरी रणनीति बना चुकी है।